नमस्कार हिमाचल। तो एक बार फिर से रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश ने अब ये रोक लगाई है। क्या ये खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल जमा नहीं होंगे 1500 रुपये के आवेदन, राज्य निर्वाचन विभाग ने एप्लीकेशन पास करने पर लगाई रोक। राज्य निर्वाचन विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी भना सुख सम्मान योजना में आवेदन को पास करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोई भी आवेदन अब विभाग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोई लोक मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करना चाहे तो उस पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं राज्य निर्वाचन विभाग ने योजना से जुड़े सभी विभागों को यह आदेश जारी किए हैं। प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के दौरान रोका गया है। इससे पूर्व राज्य निर्वाचन विभाग ने सभी 12 जिलों से आवेदनों की रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में महिलाओं के आवेदनों की संख्या और फॉर्म भाजपा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत सौंपकर इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फोटो लगे आवेदन बांटने का आरोप लगाया था। वहीं इस आरोप के सामने आने के बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से जवाब मांगा गया था। गौरतलब है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 5 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 देने का फैसला किया था। 7 मार्च को हुई कैबिनेट में मंजूरी के साथ इस बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। प्रमुख रूप से यह बड़ी खबर कि हिमाचल में महिलाओं के 1500 रुपए के आवेदन पर जो है अब रोक लग गई है। तो बता दें कि लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से अभी भी आवेदन किया जा सकता है। तो अभी के लिए यह बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म, ग्रह क्लेश काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।